मिला आप लोगों को? बिल्कुल आश्वासन मिला है। उनका कहना है कि आप जो है 10 के बाद हमारे प्रोजेक्ट बिल्डिंग आए, वहाँ हमारा जो कार्यालय है वहाँ बैठ करके हम सचिव को बुलाएंगे और जो भी आपकी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। यही हम लोग को आश्वासन मिला है। आप लोगों ने क्या बोला मंत्री जी? हम लोग भी बोले कि ठीक है, आपका अगर 10 के बाद ही समय बनता है तो हम लोग उसका इंतजार करेंगे, राजभवन में स्वागत है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि राजभवन में हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, जहाँ सत्ता पक्ष के विधायकों का मंत्री का हम इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो नहीं पहुंच रहे, तो हम लोग उनके पास जाके पहुंच रहे हैं, लाइजनिंग कर रहे हैं कि भाई हम वहाँ बैठे हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं बैठ सकते, सरकार की किरकिरी होगी, या जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान कर दें, हम अपने विद्यालय में जाएंगे। आप लोग अर्हता पूरी करते हैं? बिल्कुल। NCT एक संस्था है जो शिक्षक बनने की अर्हता तय करती है, मापदंड तय करती है, और उन्होंने तय किया है कि ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग एंड TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए। हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग भी किए हुए हैं और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए हैं, फिर भी हम लोगों को जो है आपका इसी सरकार के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी 9 जून 2020 को। उस कमेटी ने अनुशंसा किया था कि टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान दिया जाएगा। वो अनुशंसा रिटर्न है, वर्बली भी नहीं है, ऑन रिटर्न है, हस्ताक्षरित भी है। आगे जाकर के इन्होंने कहा कहीं कोई टेक्निकल अड़चन ना आ जाए, इसके लिए जो है एडवोकेट जनरल से परामर्श ले लिया जाए। इन्होंने सजेशन लिया, सजेशन में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई जो ट्रेंड एंड टेट पास पारा टीचर है उनको गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दिया जा सकता है, कोई कहीं कोई टेक्निकल अड़चन नहीं है। बाद में सरकार जो है बिहार के तरफ गई कि बिहार के जो शिक्षकों को जो मिलता है वो आपको हम देंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट में 2400-2800 का ग्रेड पे ड्राफ्ट कर दिया गया था, लेकिन बिहार के जैसा हमको सारा चीज़ मिला, लेकिन वहीं वेतनमान वाला पोर्शन को हटा करके, पे ग्रेड वाला पोर्शन को हटा करके मानदेय बढ़ोतरी ऑनरेरियम इंक्रीमेंट में ला दिया। यही हमारी समस्या है कि भाई जो अनुशंसा हो चुकी थी, ड्राफ्ट बन चुकी थी 2400-2800 का ग्रेड पे का, तो हमको 2400-2800 ग्रेड पे दे दिया जाए, यही गुहार लगाने के लिए हम लोग आज जनता दरबार में आए हैं। सीमांता घोषाल, प्रदेश संयोजक, टेट सहायक सहायक अध्यापक समन्वय समिति। सुनीता साहू, लोहरदगा से। जी ये बताइएगा कि आप लोग तो राजभवन के समय धरना में दे रखे, आपके साथी धरना थे, सरकार ने जो वादा किया था अब वादा खिलाफी हो रही है? देखिए अभी तक तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार हमसे वादा खिलाफी कर रही है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं सारे मंत्रियों का जो रिस्पॉन्स है हमारे लिए वो अच्छा ही रहा है। जैसे आज भी हम आए हैं वित्त मंत्री के पास, तो मंत्री महोदय ने हमसे कहा है ठीक है 10 तारीख के बाद आप हमारे कार्यालय में आइए, 2 बजे के बाद जब भी आइए मैं फ्री हूँ, मैं आप लोगों की बात सुनूंगा। क्योंकि हमने उनको कहा सर हम टेट पास सहायक शिक्षक हैं, क्योंकि टेट सहायक शिक्षक वो सारी अर्हता रखता है जिसे वो शिक्षक बन सकता है। तो तब उन्होंने ध्यान दिया वो टेट पास है, ठीक है आप लोग 10 के बाद हमारे कार्यालय में आए, मैं आप लोगों की बातें सुनूंगा और हमसे जो बन पड़ेगा मैं वो जरूर। आप लोग अर्हता पूरी कर रहे उसके बाद भी सरकार गंभीर नहीं है, आपको दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं। सर यही तो बात है, कुछ चीज़ों के कारण सरकार को शायद गलत फहमी हो गई है, वो नहीं समझ पा रही है, क्योंकि हम वो सारी अर्हता रखते हैं जो एक शिक्षक को बचाइए। हम NEP NCTE वो सारी उसकी सारी जो अर्हता है सारी पूरी करते हैं, हम ट्रेंड है प्लस टेट पास है, झारखंड टेट पास का, तो हम सारा चीज़ रखते हैं जिससे हम एक शिक्षक बन जाए। फिर भी सरकार ने एक सहायक आचार्य की जो नियुक्ति निकाली है वो कहीं से भी सही नहीं है हम टेट पास शिक्षकों के लिए, क्योंकि हम टेट पास के साथ सर हमारे पास 20 साल का अनुभव है, हमने 20 साल सर दिया है शिक्षक में, अपने विद्यालय में दिया है, तो उससे बढ़िया शिक्षक सरकार को कहां से मिल सकती है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।